Hello everyone, welcome to Physical Education World. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. So, आज हम करेंगे SAI Volleyball Test, जो कि 1992 में आया था और SAI की फुल फॉर्म है Sports Authority of India. ये दिया किसने था? Sports Authority of India ने. Sports Authority of India ने ये जो यंग एज स्टूडेंट्स हैं उनका टैलेंट चेक करने के लिए बनाया था, 10 टू 14 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन का, कि उनका वॉलीबॉल की स्किल कितनी है. तो इसके अंदर तीन टेस्ट आते हैं, एक्यूरेसी ऑफ सर्विस टेस्ट, वॉल वॉलिंग और मेडिसिन बॉल. तो सबसे पहले हम करेंगे एक्यूरेसी ऑफ सर्विस टेस्ट. तो इसका पर्पस क्या है? सर्विस चेक करनी है. एंड इक्विपमेंट क्या है? वॉलीबॉल कोर्ट चाहिए हमें 6x12 मीटर एंड नेट की हाइट 2.1 एंड 2.2 के बीच में होनी चाहिए एंड 10 मिनी बॉल्स चाहिए. तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, इसका प्रोसेस क्या है, कि उसको प्लेयर को 10 अटैम्प्ट दिए जाएंगे, 5 अटैम्प्ट उसने राइट पे करने हैं, 5 अटैम्प्ट उसने लेफ्ट पे सर्विस करवानी है, लेफ्ट साइड और राइट साइड. तो जितने भी राइट जो लीगल उसकी सर्विस होगी वो काउंट की जाएंगी और उसको SAI इवेल्युएटिंग टेबल से इवेल्युएट किया जाएगा, वो उसका स्कोर होगा. देन सेकंड आता है वॉल वॉलिंग टेस्ट आइटम. तो इसका पर्पस क्या है, कि हमें कंट्रोल चेक करना है कि एक प्लेयर का कितना कंट्रोल है वॉली पॉस में. तो इक्विपमेंट इसके लिए चाहिए स्मूथ ट्रेनिंग वॉल और गुड क्वालिटी मार्किंग चाक वॉली बॉल्स, ये इसके इक्विपमेंट है. अब हम देखते हैं इसकी मेजरमेंट क्या है. सबसे पहले ये वॉल है और ये फ्लोर है. तो वॉल से फ्लोर का डिस्टेंस जो हमारी रेस्ट्रेनिंग लाइन होगी वो 2.5 मीटर दूर होगी. ओके, देन जो इसकी हाइट होगी, 3 मीटर हाइट होगी. उसके ऊपर हमने जो है हमारा बॉल हिट करना चाहिए. तो हमारा बॉल हिट कैसे करेगा, इसको प्रोसेस जो है हमें 3 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे. करना क्या है इसमें, रेस्ट प्लेयर जो है वो रेस्ट्रेनिंग लाइन के पीछे खड़ा होगा. रेस्ट्रेनिंग लाइन के पीछे खड़ा होके सबसे पहले वो खड़ा होके इस एरिया में पास करेगा. यहाँ पे बॉल हिट होगी, उसके बाद जब यहाँ पे बॉल हिट होगी फिर जब रीबाउंड करेगी बॉल तो वो स्क्वाड पोजीशन में होगा, सिटिंग पोजीशन में होगा. उसके बाद वो अपने हेड के ऊपर से पास करेगा, फिर वो एक बार खड़े होके करेगा, एक बार बैठ के करेगा. तो वो ये पूरा साइकिल में चलता है. तो 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे उसको, 3 अटैम्प्ट में जो भी उसका बेस्ट होगा वो उसको उसका चेक किया जाएगा, उसको SAI इवेलुएटिंग टेबल में कन्वर्ट किया जाएगा, वो उसका स्कोर होगा. देन थर्ड है मेडिसिन बॉल थ्रो टेस्ट. मेडिसिन बॉल थ्रो टेस्ट पर्पस है इसका, थ्रोइंग एबिलिटी चेक करनी है हमें प्लेयर की. ओके, देन इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, 3 मेडिसिन बॉल 1 kg के होने चाहिए और टेप चाहिए और हमें पाउडर चाहिए. तो इसकी जो मार्किंग है वो ये है रेस्ट्रेनिंग लाइन एंड ये है 20 मीटर और ये जो बीच में हमारा डिस्टेंस है ये 1 मीटर 1 मीटर का डिवाइड किया हुआ है 20 मीटर में. तो इसमें इसका प्रोसेस क्या है, यहाँ पे रेस्ट्रेनिंग लाइन के पीछे प्लेयर खड़ा होगा और वो बॉल होल्ड, मेडिसिन बॉल होल्ड करेगा नेक के पास. तो वो वन हैंड से थ्रो करेगा, जितनी भी दूर थ्रो होगी वो उसका स्कोर माना जाएगा. अटैम्प्ट्स इसमें 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगी, 3 ट्रायल्स मिलेंगे प्लेयर को, 3 ट्रायल्स में जो भी उसका बेस्ट होगा वो उसको SAI टेबल से, SAI इवेल्युएटिंग टेबल जो है उससे कन्वर्ट किया जाएगा, देन उसका वो स्कोर होगा. ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.